नागपुर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री सना खान उर्फ हिना खान कहाँ है? 1 अगस्त को वो नागपुर से जबलपुर गई, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। वापस फिर मम्मी ने उसको फोन लगाया तो उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। तो हम लोगों ने और ट्राई करने की कोशिश करी, फिर अमित साहू के नंबर पर ट्राई करने की कोशिश करी, बेटी के नंबर पर ट्राई करने की कोशिश करी मम्मी ने, पर नंबर लग ही नहीं रहा था। तो हमको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो हुआ है, दो में से कोई एक जन तो बात करता था। तो हमने फिर तुरंत गाड़ी टिकट निकाली, टिकट थाने गए, मानकोपुर थाने में हमने हमारा जो क्षेत्रीय थाना आता है, हमारे एरिया का जो थाना आता है, वहाँ पर हमने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद में फिर हम ठीक है जबलपुर के लिए निकले। जब यहाँ जबलपुर में आए हम लोग, यहाँ पर हम लोग ने अर्जी लगाई है ठीक है कि हमारी ठीक है लड़की मिसिंग है ठीक है यहाँ पर आने के बाद में, और उनके नंबर भी नहीं लग रहे। परिवार की शिकायत पर नागपुर पुलिस ने जब तलाश शुरू की तो मामला और भी रहस्यमय हो गया। सना खान जिस अमित साहू के पास गई वो खुद भी लापता है। मानकापुर पुलिस के पुलिस और ऑफिसर सर्च कर रहे हैं, जहाँ वो गई है वहाँ भी जाके आई, जो व्यक्ति उसके साथ था जो फैमिली मेंबर बोल रहे थे उनका ही शोध ले रहे, अभी तक वो दोनों भी नहीं मिले। जो कुछ आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू है उनके बारे में तो जबलपुर के काला बाजार पुलिस स्टेशन के ऑफिसर कर रहे हैं, उसके बारे में जबलपुर एसपी साहब से भी बात हुई है। इस बीच मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। पता चला है कि अमित साहू और सना खान ने अप्रैल महीने में शादी कर ली थी। अब परिवार को शक है सना को गायब करने के पीछे अमित का हाथ है। शक ये भी है कि उसने सना की हत्या कर उसका शव नदी में बहा दिया होगा, लेकिन पुलिस अभी हत्या की बात पर चुप्पी साधे है, क्योंकि उसके लिए सना का शव मिलना जरूरी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच कर रहे हैं, संदेही एवं गुमशुदा के मोबाइल लोकेशन के आधार पर, सीडीआर के आधार पर, उनके जो बैंक अकाउंट्स की जानकारी ली जा रही है कि अभी कोई लेन देन उनमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, ढाबे पे कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है। 3-4 तारीख से जो है संदेही अपने ढाबे पे भी नहीं गया। सना खान का इस तरह से गायब होना हैरान करने वाला है। शक भी उस अमित पर जिससे अभी 4 महीने पहले ही उसने शादी की थी। सवाल ये है कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ और सना खान अब कहाँ है? नागपुर से रवि आर्या, जबलपुर से संजीव चौधरी और मुंबई से कैमरामैन राजेश पावसकर, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।